जी हाँ दोस्तों, एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। अभी तक कोरोना वायरस का भी पूरी तरह से खात्मा नहीं हुआ, पूरी तरह से तो कहना भी गलत होगा दोस्तों, बिल्कुल भी खात्मा अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि रोज रोज नए नए केसेस देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों चूहे से फैलने वाला एक और नया वायरस सामने आ चुका। बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे, कोरोना के बाद चीन में सामने आया चूहे से फैलने वाला हंटा वायरस। 8 सवालों से समझाएंगे आपको आखिर इसके क्या लक्षण है, बचाव है और वजह क्या है, आखिर कैसे ये वायरस फैला। और इन सब चीजों में एक बात आपके दिमाग और दिल में कॉमन आ रही होगी दोस्तों, और वो ये दोस्तों कि ये जो नए नए वायरस आते हैं आखिर चीन से ही क्यों आते हैं। कोरोना वायरस का जन्म भी चीन से ही हुआ, और अब ये हंटा वायरस नया वायरस जो मौत का खतरा, ये भी चीन से ही पैदा हुआ है। कोरोना के बाद हंटा वायरस, बड़ा अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यूनान प्रांत में 21 के चलते मौत भी हो चुकी है। हंटा से मौत का खतरा कोरोना के मुकाबले 24% ज्यादा है। वैज्ञानिकों की रिसर्च और आंकड़ों को देख करके आप भी यकीनन चौंक जाएंगे। जरा ध्यान से इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि कोरोना वायरस और हंटा वायरस में आखिर कौन ज्यादा खतरनाक है और इनके लक्षण और बचाव के उपाय क्या है, पूरी जानकारी डिटेल से विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे। बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दरअसल बात कुछ यूं है दोस्तों कि कोरोना वायरस जो है वो इंसान से इंसान में फैलता है, राइट। अभी तक जानवरों से कोरोना वायरस फैलने की कोई भी खबर अपडेट आपने भी नहीं देखी होगी, और ऐसा कोई केस सामने आया भी नहीं है। लेकिन हंटा वायरस जो होता है ना, वो चूहे के मलमूत्र के जरिए फैलता है। चूहे हम सभी के घरों में है, आपको पता होगा, और ऐसे में अगर चूहों से ये वायरस फैलने लग गया तो जरा सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है। और हंटा वायरस से मौत का खतरा उससे भी 24% ज्यादा होता है, यानी कि लगभग 1.25 गुना ज्यादा खतरा होता है कोरोना वायरस के मुकाबले हंटा वायरस से। दुनिया भर में कोरोना वायरस के खौफ के बीच एक और नया वायरस आ चुका है जिसका नाम है हंटा वायरस। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट करके बताया दोस्तों कि यूनान प्रांत में हंटा वायरस की वजह से एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। अब इससे जुड़े कुछ सवाल जवाब आपको बताते हैं कि आखिर क्या है हंटा वायरस और कैसे ये फैलता है। तो अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC के मुताबिक यह ऐसे समूह का वायरस है जो खास तौर पर चीजों को कुतरने वाले जीव रोडेंट्स के जरिए फैलता है, जैसे कि चूहे हो गया, गिलहरी हो गई, जो कुतरने वाले जीव है ना उनके जरिए ये वायरस फैलता है। अमेरिका में इस वायरस को न्यू वर्ल्ड हंटा वायरस और यूरोप व एशिया में ओल्ड वर्ल्ड हंटा वायरस के नाम से जाना जाता है। कुल मिलाकर के हंटा वायरस ही यह एक प्लोमनरी सिंड्रोम नाम की बीमारी की वजह है। हंटा वायरस के कई प्रकार हैं जो रोडेंट्स यानी कुतरने वाले जीवों की अलग अलग प्रजातियों के जरिए फैलते हैं। वायरस के वाहक चूहे होते हैं सबसे ज्यादा, जो कि इनके यूरिन, मल, लार के संपर्क में आने पर इंसान में भी संक्रमण हो जाता है। दोस्तों अगर वायरस वाला वाहक चूहा किसी इंसान को काट ले तो हंटा वायरस फैल सकता है, हालांकि ऐसे केसेस बहुत कम ही सामने आते हैं। दूसरा, किसी जगह चीज या मौजूद वस्तु पर चूहे का मल मूत्र, चूहे जो वो क्या करते हैं उनको क्या बोलते हैं, चूहे का जो मल होता है जिसे अपन आम भाषा में कहते हैं चूहे की मिंगणियां, उन्हीं के जरिए दोस्तों ये वायरस फैल सकता है। इसके अलावा चूहे अगर आपके संपर्क में आ जाए, नाक, मुंह वगैरह को छू ले, तो ऐसे भी फैल सकता है। कौन ज्यादा खतरनाक है, हंटा वायरस या कोरोना वायरस? तो वैज्ञानिकों के मुताबिक दोस्तों हंटा वायरस हवा के जरिए नहीं फैलता है, फिर भी कोरोना वायरस के मुकाबले ये ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक हंटा वायरस भी जानलेवा है, और वहीं WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना वायरस के कारण मौत का ग्लोबल रेट सटीक तरह से पता लगाने में कुछ वक्त लग सकता है। फिलहाल इसे 3-4% के बीच माना जा रहा है। दूसरा था दोस्तों कि हंटा वायरस कोरोना वायरस से कितना अलग है। तो दोनों में एक बड़ा फर्क है, कोरोना वायरस इंसान से इंसान में फैलता है, जबकि हंटा वायरस चूहों से इंसान और गिलहरियों से इंसान में फैलता है। यदि कोई व्यक्ति चूहों के मलमूत्र, पेशाब, चूहे को छू ले, आंख, नाक, कान, मुंह को, तो उसके शरीर में हंटा वायरस के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कैसे पहचाने दोस्तों कि हंटा वायरस से कोई ग्रसित हो गया, तो इसके क्या लक्षण है? जैसे कोरोना वायरस के लक्षण होते हैं खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, फेफड़ों में दर्द वगैरह वगैरह, राइट। उसी तरह से हंटा वायरस का जो लक्षण होता है वो है दोस्तों तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, बदन दर्द, पेट में दर्द, उल्टी, डायरिया जैसे लक्षण संक्रमण का इशारा करते हैं। 4-10 दिन के अंदर संक्रमण की गंभीरता बढ़ जाती है और सांस लेने में तकलीफ भी होती है, फेफड़ों में पानी भरने लगता है, और लक्षण बरकरार रहने पर व्यक्ति की मौत हो जाती है। चीन में भी मौत से पहले पीड़ित में ऐसे ही लक्षण नजर आए थे। हंटा के संक्रमण का पता लगाने में कम से कम 1-8 हफ्तों तक का वक्त लग सकता है, यानी ये अंदर ही अंदर फैलता है। अब जरा सोचिए दोस्तों, इसके लक्षणों का पता लगाने में मात्र समय 8 हफ्ते लग जाते, तब तक तो मरीज ही टपक जाता। अब एक सवाल यह था कि आखिर चूहे की कौन सी प्रजाति से हंटा वायरस फैल सकता है। तो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक दोस्तों चूहे की 4 ऐसी प्रजातियां जो कि हंटा वायरस का वाहक है, जिनमें सबसे अहम अमेरिका में पाए जाने वाले डियर माउस है। यह आम चूहों के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है और इसके शरीर की लंबाई 2-3 इंच होती है। शरीर के मुकाबले इसकी आंख, कान बड़े होते हैं और साथ ही शरीर पर बाल ज्यादा होते हैं। अन्य 3 प्रजातियों में कॉटन रेट, राइस रेट और व्हाइट फुटेड माउस शामिल है। किस तरह के इलाकों में इस वायरस का खतरा ज्यादा है? सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पेड़ पौधे अधिक हैं, वहां हंटा वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा होता है। क्या इसकी कोई वैक्सीन बनी है? अगला सवाल। तो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक दोस्तों अब तक ऐसी कोई वैक्सीन तैयार नहीं हो सकी है जो कि हंटा वायरस का पूरी तरह से इलाज कर दे। कोरोना की भी अभी तक कोई दवा नहीं बनी है, और ऐसे में मरीजों को विशेष केयर की जरूरत होती है, ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है। जितनी जल्दी मामला पकड़ में आ जाता है उतना ही बेहतर है कुल मिलाकर के। तो ये हंटा वायरस के बेसिक लक्षण और इन्फॉर्मेशन जानकारियां आपको जरूर जानने मिली होगी। ज्यादा थकावट आना, बुखार आना, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, चक्कर आना, सर्दी लगना, पेट की समस्या, ये लगातार बने रहे तो समझ लीजिएगा आपको चेकअप करवाने की जरूरत है, हंटा वायरस हो सकता है। अगर शुरुआती लक्षण दिखने के बाद व्यक्ति जो
है वो इलाज नहीं करवाता है तो उसे फिर ब्लड प्रेशर, आघात, नाड़ियों में रिसाव, किडनी फेल होने का खतरा बन सकता है। तो ये हंता वायरस भी चल रहा है, जरूर इन चीजों का ध्यान रखें आप। और कुल मिलाकर के भारत के अंदर मोदी सरकार ने जो नियम बनाया है 21 दिन तक पूरे भारत में लॉकडाउन का, उस रूल्स को पालन करें ताकि ये आपके खुद के लिए, आपके परिवार के लिए, पूरे देश के लिए फायदे की बात होगी। सरकार के जो भी दिशा निर्देश हैं, डिसीजन से निर्णय हैं, उनको दिल से पालन करें अनुशासन के साथ में, ऐसा नहीं कि रूल्स और कानून को तोड़ दें, ये गलत होता है दोस्तों। तो उम्मीद है ये नए वायरस को लेकर न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि क्या आपके राज्य में भी कोरोना वायरस से संक्रमित केसेस पाए गए या देखे गए या नहीं, देखे गए तो उनकी संख्या कितनी है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। दिल से इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इस नई जानकारी को अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और साथ ही अगर आप DLS न्यूज पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।